इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में आज से 36 वर्ष पहले 1983 वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इस मैच में भारत का हारना तय था क्योंकि विश्व विजेता वेस्ट इंडीज को अब तक किसी भी टीम ने विश्व कप में नहीं हराया है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 262 रनों का लक्ष्य वेस्ट इंडीज के सामने रखा। वेस्ट इंडीज इस टोटल को चेस नहीं कर सकी। पूरी टीम मात्र 228 रनों पर ही सिमट गई। भारत के रवि शास्त्री और रोजर बिनी ने मात्र 228 रनों पर पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया। वेस्ट इंडीज ने इस मैच के साथ साथ विश्व कप में एक भी मैच न हारने का किताब भी गंवा दिया। इतिहास हमेशा दोहराता है, यह प्रकृति का नियम है। आज 36 वर्ष बाद फिर वही नजारा देखने मिला, विश्व कप की मैच और इंग्लैंड का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान, भारत और वेस्ट इंडीज का मुकाबला। इस मैच में भी भारत ने पहले बल्लेबाजी की और वेस्ट इंडीज के सामने 268 रनों का टारगेट खड़ा किया। 268 के इस टारगेट को चेस करते हुए पूरी वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 143 रनों पर ही सिमट गई। वेस्ट इंडीज ने यह मैच तो हारा ही, साथ में सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीद भी गंवा दी। 1983 में इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में वेस्ट इंडीज को हराने वाली टीम इंडिया ने विश्व कप भी जीता था। लगता है 36 वर्ष बाद फिर इंग्लैंड में भारत वर्ल्ड कप जीत इतिहास दोहराने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, हम ले जाएंगे राउंड क्रिकेट का मैडम जी, हम ले जाएंगे।